हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैलेश मौर्य। और आज के इस लेक्चर में हम अपने जीओसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। हम देखेंगे आपका कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, किस किस जगह पे हो सकता है और हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से किस तरह से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ हम इसमें प्रीवियस ईयर के जेई के क्वेश्चंस भी लाए हैं, तो उसको भी हम इसी के साथ साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशंस को। हेडिंग लगा ले सब लोग, क्या टॉपिक है हमारे पास? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारा जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अच्छा देखते हैं, पहले हम ये पहले समझते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट कैसे हुआ आपका। ठीक है, स्टार्ट कैसे हुआ होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए आइए एक बार हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले क्या था हमारे पास, हमने इस कंपाउंड को एक बार ऑब्जर्व किया। ठीक है, इस कंपाउंड को हमने देखा, इसका आप नाम क्या बोलोगे? प्रोपीन बोल दोगे इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, तो प्रोपीन के मॉलिक्यूल को लोगों ने ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है, ये है आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन, ये बॉन्ड कैसा है आपका? कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं जो भी कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है जो 1.54 एंगस्ट्रॉम, हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉन्ड लेंथ होगी x होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है इसकी बॉन्ड लेंथ हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, हमने एक बार इथेन के मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया, इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CH3। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की, इस बॉन्ड लेंथ को हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं इस बॉन्ड लेंथ को। तो अगर यहाँ पे भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो हमको क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये x की वैल्यू y के बराबर हो जानी चाहिए। ध्यान से सुनिए क्या कहा हमने, हमने ये कहा कि आपने प्रोपीन का मॉलिक्यूल लिया, प्रोपीन में यहाँ पे है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, आप मान लीजिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है x। इथेन का भी मॉलिक्यूल है, इथेन में भी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हमने मान लिया y। तो अगर दोनों के दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। लेकिन पाया क्या जाता है यहाँ पे कि x जो है वो y से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। क्या देखा हमने? x जो है वो y से क्या हो जाता है? थोड़ा छोटा हो जाता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अब इस वाले कंपाउंड में कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो प्रेजेंट है ही नहीं, कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता तो रेजोनेंस के थ्रू हम एक्सप्लेन कर देते कि हाँ यहाँ पे कुछ रेजोनेंस हो रहा है जिसकी वजह से कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। तो अब सवाल सामने खड़ा हुआ कि इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी चीज को, जिस मेथड से हम एक्सप्लेन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम दो तीन नाम से और जानते हैं। इसी को कहा जाता है आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसी को क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको जिस साइंटिस्ट ने खोजा था, बेकर नाथन, तो इसको कहा जाता है बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, या इसी का एक और नाम है आपका सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसके ढेर सारे नाम है, किसी भी नाम से आपको लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। अच्छा, ये सब नाम को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, सभी का लॉजिकल नाम है। मतलब इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों पड़ा ये भी लॉजिकल है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस क्यों पड़ा ये भी लॉजिकल है, बेकर नाथन इफेक्ट हमको समझ आ रहा है। बेकर नाथन साइंटिस्ट है जिन्होंने इस इफेक्ट को खोजा, तो इसीलिए क्या कर दिया कि ये कैसा हो जाएगा आपका? बेकर नाथन इफेक्ट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ऐसा यहाँ पे रेजोनेंस तो हुआ नहीं, तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई और उससे हम हाइपर कॉन्जुगेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो आइए इसको फिर देखते हैं। ठीक है, देखिए देखा ये जाता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व कहाँ कहाँ पे होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होता है आपका कार्बोकैटायन के केस में, फ्री रेडिकल के केस में और डबल बॉन्ड के केस में। कहाँ कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है आपको? कार्बोकैटायन के केस में, फ्री रेडिकल के केस में और डबल बॉन्ड के केस में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जैसे ये हमारे पास प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। बेसिकली आप अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे तो ये बॉन्ड कैसा है? सिग्मा बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कैसा है आपका? पाई बॉन्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, इस सिग्मा बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड आपस में क्या आते हैं? कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। मैं आपको एक बार इसको थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा।
देखिए ये सी एच टू, इसका ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ये एच के साथ में क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, ये सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए। इसी तरह से हम सिग्मा बॉन्ड को ड्रॉ करेंगे, ये क्या हुआ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। फिर ये क्या है कार्बन सी एच, यहाँ पे आपने बना रखा ये सी एच टू होगा, ये आपका सी एच टू, जहाँ पे एक बॉन्ड क्या है हमारे पास, ये आपका पाई बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, ये आपका क्या प्रेजेंट है पाई बॉन्ड इस सिस्टम के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट है। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में आ जाता है किसके साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ में। ध्यान से समझिए क्या बोला मैंने, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये किसके साथ में कॉन्जुगेशन में रहता है, इस पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में आ जाता है। तो आप ही बताइए अगर ये कॉन्जुगेशन इधर से बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस ही बात है ये वाले बॉन्ड को, ये वाले को ब्रेक करना पड़ेगा। इसी चीज को हम यहाँ पे किस तरीके से दिखाते हैं कि ये बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में आया तो इस बॉन्ड को क्या करना पड़ा, इस तरह से ब्रेक करना पड़ा। तो आप कैसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को, यहाँ से आप क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए सी एच टू यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से, डबल बॉन्ड सी एच, फिर क्या बन जाएगा आपका सी एच टू माइनस, और ये क्या हो जाएगा H प्लस एस सच इसमें पड़ा रहेगा। तो आपने देखिए यहाँ पे काम तो रेजोनेंस वाला ही किया, ठीक है, ध्यान से देखिए काम तो आपने रेजोनेंस वाला ही किया यहाँ पे, लेकिन क्या इस एच प्लस और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, नहीं कोई बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं रेजोनेंस तो बोला लेकिन यहाँ पे कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसका क्या नाम लिख दिया हमने, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल दिया। ध्यान सुनिए क्या बोला मैंने, यहाँ पे होता क्या है बेसिकली डबल बॉन्ड या किसी भी केस में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कॉन्जुगेशन में आ जाता है किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ में। तो ये सिग्मा बॉन्ड था यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इस पाई बॉन्ड के साथ में क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। तो इसका ये कॉन्जुगेशन कर दिया हमने यहाँ पे, तो हमने उसी चीज को थोड़ा इस तरह समझा दिया। ऐसा यहाँ पे आपने काम तो रेजोनेंस वाला ही किया है, लेकिन क्या इस एच और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, नहीं कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नो बॉन्ड रेजोनेंस इसका नाम पड़ा। अच्छा यहाँ पे ये जो पी ऑर्बिटल है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका बॉन्डेड पी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा। तो यानी यहाँ पे कौन से दो चीजें कॉन्जुगेशन में, आप बताइए सिग्मा बॉन्ड और बॉन्डेड पी आपस में क्या है कॉन्जुगेशन में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पूरा डबल बॉन्ड के केस में, यानी डबल बॉन्ड के केस में सिग्मा और बॉन्डेड पी कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन होने के बाद फॉर्मेशन किसका होगा आपका, कार्बन एनायन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक एक बार हम आपका कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल फिर भी देख लेते हैं, फिर हम इसके लिए पूरी कंडीशन लिखेंगे और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी फिर हम देखेंगे, एक एक करके चीजों को समझेंगे। तो ये हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड के लिए। अब आइए हम एक बार समझ लेते हैं आपका कार्बोकैटायन के केस में, ठीक है, कार्बोकैटायन के केस में देखिए कार्बोकैटायन में भी क्या होगा, ये आपका सिग्मा बॉन्ड रहा होगा इस तरीके से, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई हमारे पास क्या है कार्बोकैटायन है। तो इसका एक बार अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो ये सी एच टू, ये बॉन्ड कैसा है इस तरह से, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये एच होगा और ये पी ऑर्बिटल, इस तरह से क्या किया होंगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा। अच्छा ये है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन है अगर यहाँ पे तो ये कैसा होगा आपका एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, कार्बोकैटायन में तो पूरे इलेक्ट्रॉनों से फुल्ली, तो एक पी ऑर्बिटल कैसा है यहाँ पे, ये पी ऑर्बिटल इस तरह से क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये प्लस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रहा आपका सिग्मा बॉन्ड, ये रहा आपका पी ऑर्बिटल, पिछले वाले केस में पी कैसा था आपके पास, बॉन्डेड पी था, यहाँ पे पी कैसा है आपके पास, यहाँ पे जो पी है वो कैसा है एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इस बार आपका कॉन्जुगेशन किन दो चीजों के बीच में हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इस तरह से कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे। तो जरा सा इसी चीज को हम यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम में समझा, एक बार ऊपर समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा इस तरह से ये कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, और ये क्या हो जाएगा एच प्लस एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है। काम रेजोनेंस वाला हुआ लेकिन एच प्लस यहाँ पे बॉन्डेड नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पे क्या हो रहा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है पूरा कार्बोकैटायन के केस में, ठीक है, मेरे को लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए लास्ट हम देख लेते हैं आपका फ्री रेडिकल के केस में, ठीक है, नोट कर लिया इसको, चलो अब देखते हैं हम यहाँ पे फ्री रेडिकल के केस में किस तरीके से काम होता है आपका। देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्या किया, फिर से वही पुराना एग्जांपल लिया, अभी समझ रहे हैं हम, पहले छोटे एग्जांपल से समझ लेंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे C
CH2, ये क्या है आपका फ्री रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको एक बार पहले ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं। CH2 ये इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है कार्बन, इस तरह से ये हाइड्रोजन है। और इस बार जो इसका जो पी ऑर्बिटल है, ध्यान से देखिए यहाँ पे कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो पी ऑर्बिटल है ये क्या है, इस बार आपका हाफ फील्ड है। अगर पूरा भर जाता तब तो यहाँ पे पूरा एक बॉन्ड ही होता, यहाँ पे फ्री रेडिकल के केस में क्या है, यहाँ पे ये हाफ फील्ड है। तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन किसके किसके बीच हो रहा है, देखिए ये बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, और ये पी ऑर्बिटल कैसा है, इस बार ये पी ऑर्बिटल कैसा हो चुका है, इस बार हाफ फील्ड हो चुका है। ध्यान रखिए, पहले मेरे साथ एक बार आप रिवाइज करिए, डबल बॉन्ड के केस में क्या था, बॉन्डेड पी था, फिर कार्बोकैटायन के केस में क्या आया आपका, एम्प्टी पी ऑर्बिटल आया, और फ्री रेडिकल केस में ये पी कैसा है आपका, हाफ फिल्ड पी है, ठीक है। तो कॉन्फिगरेशन किसके किसके बीच होगा वो बताइए, ये सिग्मा बॉन्ड और इस हाफ फिल्ड पी के बीच में यहाँ पे कॉन्फिगरेशन होगा। तो इसको यहाँ पे हम किस तरीके से शो करते हैं, इस बॉन्ड को हम होमोलिटिकली इस तरह से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ध्यान से रखिए, अगर होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बताइए, ये बनेगा CH2, यहाँ पे आएगा फ्री रेडिकल, ऊपर बन जाएगा H फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या है, ये पहले से CH2 फ्री रेडिकल है, ये दोनों आमने सामने आ गए, तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। तो फ्री रेडिकल के केस में क्या होगा, इस तरह का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। तो ओवरऑल आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या समझा, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब समझा कि ओवरलैपिंग बिटवीन, या हमें ऐसा कहना चाहिए, हाँ, ओवरलैपिंग या कॉन्जुगेशन ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल, यानी सिग्मा बॉन्ड विद बॉन्डेड पी, एम्प्टी पी और हाफ फिल्ड पी इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, इसमें हुआ क्या हाइपर कॉन्जुगेशन में, कि ये जो सिग्मा बॉन्ड था ये कॉन्जुगेशन में आ गया किसके साथ में आया, हाफ फिल्ड पी, एम्प्टी पी या बॉन्डेड पी के साथ में, ठीक है। तो आपने बस अभी तक ये देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है। देखिए इसी छोटे से कंसेप्ट में हमारे पास जेई में 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये जितना अभी तक हमने पढ़ा इसी पे जेई में 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार उन क्वेश्चन को पहले हम कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, पहली बार क्वेश्चन आया है, इसको आप बड़े ही आसानी से कर लोगे। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ITJEE 2008 में, ये क्वेश्चन 2008 का है, आप इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आप बताएंगे क्या होगा आंसर। लिखा है हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, ठीक है। क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिग्मा सिग्मा, दूसरा ऑप्शन है सिग्मा पी, तीसरा ऑप्शन है पी पी और डी ऑप्शन है पाई पाई। अब मेरे को लगता है कि आपको इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी हमने क्या पढ़ा आपका कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसके किसके बीच ओवरलैप होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में, अब वहां पे पाई बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, ये सिग्मा और पी वाला ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है। अब ये पी भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कितने तरह का हो सकता है, आइदर इट मे बी अ बॉन्डेड पी हो सकता है, हाफ फिल्ड पी हो सकता है या एम्प्टी पी भी हो सकता है। तो ये तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिग्मा और पी ऑर्बिटल के बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया समझ में सबको, चलिए आइए एक बार और एक क्वेश्चन और पूछा गया है यहाँ पर, ये पूछा गया ITJEE 2013 में, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया हुआ है, एक बार इसको भी हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आया है ITJEE 2013 में, क्वेश्चन पूछता है, पहले एक बार सब लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सब लोग इसको पहले थिंक अप करेंगे फिर अपना आंसर देंगे, ठीक है। द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्ट ब्यूटाइल एंड टर्ट ब्यूटाइल कैटायन एंड टू ब्यूटीन आर ड्यू टू, ऑप्शन ए क्या है, सिग्मा टू पी एम्प्टी, ठीक है, एंड सिग्मा टू पाई स्टार, ऑप्शन बी क्या है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड सिग्मा टू पाई, ऑप्शन सी क्या है, सिग्मा टू पी फिल्ड एंड सिग्मा टू पाई
एंड ऑप्शन डी है हमारे पास पी फिल टू सिग्मा टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पूरा आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चन है, एक बार आप पॉज करके पहले थिंक कर लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कैसे होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है ये, आपको पूछा गया है आईटी जेई में, इसका ये मतलब नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहोगे तो तुरंत इसका आंसर कर लोगे, तो पॉज करके पहले आप थिंक कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपसे, टर्ट ब्यूटाइल कैटायन के बारे में बोला है। टर्ट ब्यूटाइल कैटायन क्या होगा, देखिए टर्ट ब्यूटाइल कैटायन का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल कैटायन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन हो गया। ठीक है, तो ये CH3। अब देखिए किसी भी एक जगह से इसका हाइपर कॉन्जुगेशन आप बना सकते हो। यहाँ पे क्या है बेटा, ये है आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बो कैटायन है, कार्बो कैटायन के केस में क्या होता है, कार्बो कैटायन के केस में होता है एम्प्टी प्योर वाटर, यानी यहाँ पे इस ये कार्बो कैटायन होगा तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, इस तरह से एक एम्प्टी प्योर वाटर प्रेजेंट होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में किसका ओवरलैप होगा बताइए, सिग्मा ऑर्बिटल, मतलब इस सिग्मा का और इस पी, यहाँ पे पी कैसा प्रेजेंट है, पी कैसा प्रेजेंट है हमारे पास, एम्प्टी प्रेजेंट है। तो आप देखो यहाँ पे आपको सेकेंड वाला ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही ऑप्शन से हो गया। आपको पता है अगर कार्बो के टाइम प्रेजेंट है तो वहां पे पी कैसा होगा, एम्प्टी। तो किन दोनों का आपका क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे करोगे, इस सिग्मा और इस पी एम्प्टी का आपस में कराओगे। तो आप देख रहे हो कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, सिग्मा टू पी एम्प्टी। तो बिना दूसरा वाला चेक किए हम तुरंत इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये तो तरीका होना चाहिए आपका एग्जाम में क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। लेकिन इसमें ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आइए एक बार इसको हम देखते हैं आपका। तो मैं इस क्वेश्चन को रख कर रहा हूं और मैं सेकंड वाला आपको समझाता हूं। ठीक है, और सेकंड वाले का आंसर क्या है, सिग्मा टू पाई स्टार है। एक बार इसको हम समझ लेते हैं, इससे भी हमारे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। चलो इसमें जो ट्यूब ब्यूटीन ने बोला, मैं किसी भी एक जनरल अल्किन हम प्रोपीन में ही लेके समझ लेते हैं आपका, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, ये प्रोपीन था आपका, प्रोपीन में क्या था इस तरीके से, यहाँ पे ये आपके क्या थे पाई बॉन्ड इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या बना हुआ है, यहाँ पाई बॉन्ड इस तरीके से बना हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, अब यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बना हुआ है तो ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म है आपका, पाई बॉन्ड फॉर्म है। अब आपको देखो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इसके साथ क्या करना है, ओवरलैप करना है, लेकिन ये तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ये पाई बॉन्ड तो ऑलरेडी फिल्ड है यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा बातों को, इस सिग्मा बॉन्ड को ओवरलैप करना है इस पाई बॉन्ड के साथ में, लेकिन इस कार्बन का ये वाला जो पाई ऑर्बिटल है ये तो ऑलरेडी फिल्ड है। तो अब जब इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो ये ओवरलैप किसके साथ करेगा, तो आपको पता है कि किसी भी एटम के पास दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो पाई वाला जो बॉन्डिंग वाला है वो तो इलेक्ट्रॉन बना के यहाँ पे फुलफिल्ड है, लेकिन इसका जो एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, इस टाइम पे एम्प्टी होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग वाला पार्ट है ये तो यहाँ पे बना के बैठा हुआ, तो इसमें आपका ये किसके साथ ओवरलैप करेगा, इस कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग वाला पाई ऑर्बिटल उसके साथ ही ओवरलैप करेगा, क्योंकि उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, वो तो खाली बैठा है। तो यानी जो हम ऑप्शन पढ़ रहे थे कि अल्की के केस में किसका ओवरलैप हो जाएगा, इस सिग्मा बॉन्ड का और इस पाई के एंटी बॉन्डिंग के साथ में ओवरलैप हो जाएगा। अच्छा, आप दिमाग में ये मत लाइएगा कॉन्सेप्ट कि एंटी बॉन्डिंग के साथ ओवरलैप कर रहा है तो बॉन्ड तुरंत ब्रेक कर जाएगा, नहीं ये गलत कंसेप्ट है। हाँ, एंटी बॉन्डिंग वाले की वजह से बॉन्ड ब्रेक करेगा कार्बन का, अगर ये दोनों कार्बन एंटी बॉन्डिंग बनाते तो ओवरलैपिंग आपकी बेकार हो जाती, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि जब ये इसके साथ इसके एंटी बॉन्डिंग साथ ओवरलैप करेगा तो वो डायरेक्शन ठीक नहीं होगी, ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी और बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ये दोनों का एंटी बॉन्डिंग बनता तो बॉन्ड वाले ब्रेक कर जाता, लेकिन इस एटम का एंटी बॉन्डिंग और इधर का सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर ओवरलैप करेंगे तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वहां पे बॉन्ड बेकार बनेगा, ओवरलैपिंग बेकार होगी और आपका बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत अच्छे से हाइपर कॉन्जुगेशन को करेंगे। तो आपको अगर इतना नहीं समझ में आया तो आप इसको बेसिक तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे जो पी पाई ऑर्बिटल है ये तो फुली फिल्ड है, तो अब इसको तो ओवरलैप करना है किसी के साथ, तो किसके साथ ओवरलैप करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो। कहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये उसके एंटी बॉन्डिंग के साथ क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन के बारे में था।
यानी हमको ये समझ में आया एक कंसेप्ट और बना यहाँ से कि अल्किन के केस में ओवरलैप किसके किसके बीच होता है, सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग वाले पाई के बीच में होता है, सिग्मा टू पाई स्टार होता है। ठीक है, ऐसे ही हमको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाते हुए आगे बढ़ते चलना है। तो आपने क्या देखा, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है बताइए, कार्बोकैटायन के केस में होता है, फ्री रेडिकल के केस में होता है और डबल बॉन्ड के केस में होता है। अब हम चलते हैं आपकी कंडीशंस के ऊपर कि कौन कौन सी कंडीशंस होगी जहां पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब आप बताओगे कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन ये है कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन विथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। ठीक है, बस यही एक कंडीशन है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन विथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। अच्छा, आपको पता है कि ये जो अल्फा कार्बन होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या बोला हमने, कंडीशन क्या होती है हाइपर कॉन्जुगेशन होने की, कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन विथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। अब जरा सा जो हमने प्रीवियस एग्जांपल करके रखे थे एक बार उसको देख लेते हैं। हम जैसे प्रोपीन के एग्जांपल से स्टार्ट किए थे, तो एक बार देखिए क्या ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो गया आपका डबल बॉन्ड। मतलब देखो, अल्फा कार्बन बेसिकली बोलते किसको है, इन जो यहाँ पे लिखा है इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, यानी इसका जो जस्ट नेक्स्ट कार्बन होगा उसी को क्या बोलोगे आप, अल्फा कार्बन बोलोगे। जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। कार्बन का टैन है तो उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। फ्री रेडिकल है तो उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। अगर वो अल्फा कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है प्लस उसके पास एटलीस्ट एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने इस डबल बॉन्ड को एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, ये कार्बन कैसा हो जाएगा, अल्फा कार्बन। पहले चेक करिए क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या इसके पास हाइड्रोजन एटम है, हाँ इसके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पे होगा। अच्छा, इसमें काउंट करना होता है कि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं आपसे पूछ दूं इस मॉलिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो आप क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ही हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बोला मैंने एक बार फिर सुन लीजिए, अल्फा कार्बन क्या होता है, ये जितने लिखे हुए इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। उसके हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर ये अल्फा कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है विद एटलीस्ट वन हाइड्रोजन तो वहां पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा, वरना हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पे बन नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने यहाँ पे ढेर सारे स्ट्रक्चर्स लिखूंगा, आपका काम है हर स्ट्रक्चर्स को देखना और बताना कि उसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये भी हमको समझ में आ रहा है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने बार उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, और उतने बार हाइपर, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा मॉलिक्यूल के अंदर उतनी ज्यादा क्या आ जाएगी, आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसीलिए हम पहले काउंट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन, फिर इसको लिंक कर देंगे आपके स्टेबिलिटी के साथ में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ढेर सारे स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, आप सभी स्ट्रक्चर्स को एक एक बार देखिए और काउंट करके बताइएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको क्या करना है, हर स्ट्रक्चर में बताना है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करिए इन सभी क्वेश्चन को, पॉज करके एक बार वीडियो को खुद से एक बार स्ट्रक्चर्स को, सभी स्ट्रक्चर्स को आप ट्राई करिए, फिर इसका कोई आंसर आप दीजिएगा। ये काफी ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए डेवलप कर देगा फिर। ठीक है, टेंथ और लिख देते हैं हम आपके लिए स्ट्रक्चर नंबर 11th। ठीक है, ये हो गया 11th, और एक दो स्ट्रक्चर्स लिख दें ताकि अच्छे से हमारी पहले प्रैक्टिस हो जाए इस चीज पे।
एक लास्ट स्ट्रक्चर और लिख देते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 13। एक बार मैं देख लूं आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं कि नहीं। ठीक है, सारी चीजें क्लियरली विजिबल हैं। चलिए आइए एक बार आप पॉज करके वीडियो को अपने से खुद से ट्राई कर लीजिए। हर पर्टिकुलर केस में क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपको बताने हैं। ठीक है, आइए आप मैं आपने एक बार ट्राई कर लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे तो खुद ही है ये, इसके बगल में तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, जीरो। यहाँ पे देखिए क्या ये कार्बोकैटायन है, आपने उसको एक ब्रैकेट के अंदर किया, कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। क्या ये sp3 ऑक्सीडाइज्ड है, हाँ ठीक है sp3 ऑक्सीडाइज्ड है। उसके बाद क्या देखेंगे, अगर इसके पास हाइड्रोजन है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, हाँ इसके पास हाइड्रोजन भी है। तो पहले आपने क्या देखा, आपने कहाँ कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड के बगल में होगा, उसको पहले आप ब्रैकेट में कर लीजिए। जस्ट उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, अगर वो sp3 ऑक्सीडाइज्ड है तो उसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे उसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे, आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है, ये दो अल्फा कार्बन है, 3 और 3 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। इसका कितना आंसर आया, इसका देखो जस्ट कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन केवल यही कार्बन है, कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन यही है, क्या इसके पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए क्या आंसर आ जाएगा, 0। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे देखिए केवल ये अल्फा और ये अल्फा है, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 4। यहाँ पे ये 3 अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, तो 4 और 3 ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये कार्बोकैटायन तो जस्ट इसके बगल वाला कार्बन यही अल्फा कार्बन होगा, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, केवल और केवल 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में करते हैं, अब देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का आंसर कर लो, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। अब इसके जस्ट बगल वाले कार्बन क्या हो जाएंगे, अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हो सकता है और ये अल्फा हो सकता है, टोटल कितने हाइड्रोजन है इनके पास, 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 3 3 6 2, इसका 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो डबल बॉन्ड है तो इसके बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन हो जाएंगे, कार्बोकैटायन है तो उसके भी बगल वाले कार्बन क्या हो जाएंगे, अल्फा कार्बन के अंदर आ जाएंगे। तो इतनी चीजें यहाँ पे अल्फा कार्बन है, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, तो यहाँ 2 4 5 2 7 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2 4 5 2 7। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो ये कार्बोकैटायन है तो इसके बगल वाले कार्बन क्या हो जाएंगे, अल्फा कार्बन हो जाएंगे, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है तो इसके ये बगल वाले कार्बन क्या हो जाएंगे, अल्फा कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना जाएगा, 2 2 4, अच्छा ये कार्बन भी हो जाएगा अल्फा कार्बन, क्यों, क्योंकि ये कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाला है, तो 2 4 5 2 7 2 9, इसका क्या आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं फाइनली और इसको इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। ये कार्बोकैटायन है यहाँ पे बीच में, तो देखिए ये 3 कार्बन अल्फा हो जाएंगे। अब देखिए ये डबल बॉन्ड है तो इसके जितने अगल बगल कार्बन है चारों तरफ वो सब किसमें काउंट हो जाएंगे, अल्फा कार्बन में। तो देखिए ये सभी कार्बन क्या हो जाएंगे, आपके अल्फा कार्बन हो जाएंगे। तो कितने हो गए यहाँ से, 3 2 5 2 7 2 9 11 13 2 15, इसके पास कितने हो जाएंगे, 15 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपके अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करने का। तो एक बार बताइए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, आपका कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड के केस में हो सकता है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये आया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया यहाँ पे कि अब कंडीशन क्या होती है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लस उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, जितने हाइड्रोजन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे आपका, उतने वहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यानी मॉलिक्यूल में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट था। ठीक है, अब आइए इसी 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 कंसेप्ट पे एक बार आपके नीट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है इसी सेम कंसेप्ट पे कि कहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है और कहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है, उस चीज को एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, उसको एक बार हम कर लेते हैं फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका नीट 2015 में, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ। क्वेश्चन क्या है, इस पहले 3 स्ट्रक्चर्स को आप लिख लें एक बार, फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ठीक है,
पहला कंपाउंड ये बना रखा है इन्होंने, दूसरा कंपाउंड इन्होंने ये बना रखा है, और तीसरा कंपाउंड इन्होंने ये बना रखा, ठीक है। ये आपकी तीन कंपाउंड है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। इसको मान लीजिए स्ट्रक्चर नंबर वन, इसको मान लीजिए स्ट्रक्चर नंबर टू, और इसको मान लीजिए स्ट्रक्चर नंबर थ्री। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। एक बार आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने से सोच लीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। पॉज करके एक बार अपने से आप सोच लीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। तो फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाले कार्बन क्या हो जाएंगे, अल्फा कार्बन हो जाएंगे। तो ये अल्फा कार्बन हो सकता है और ये अल्फा कार्बन हो सकता है। क्या बताइए यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा क्या? नहीं। ये कार्बन कैसा है आप बताइए, एसपी टू है। ये कार्बन कैसा है, ये तो एसपी थ्री है, लेकिन इसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? बिल्कुल नहीं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो कर सकता। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे हर तरफ क्या लगी हुई, इस तरह से फिनाइल रिंग लगी हुई है इस तरीके से। तो आप बताइए ये आपका क्या हो गया, फ्री रेडिकल हो गया। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, क्या ये सभी के सभी कैसे एसपी टू है? तो क्या यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ से भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। जरा सा इस कंपाउंड को देखते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है। ये आपका कार्बन भी कैसा है, एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। लेकिन देखिए इस वाले पोजीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, ये पर्टिकुलर पोजीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्री रेडिकल में जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और आपको पता है ब्रेट्स रूल को ये वायलेट कर जाएगा। ब्रेट्स रूल क्या बोलता है, ब्रेट्स रूल ये बोलता है कि कोई भी ब्रिज हेड पोजीशन कभी भी आपकी एसपी टू हाइब्रिडाइज नहीं हो सकती। तो अगर आपने यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन बनाया तो वो बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो वहां पे ऐसा तो कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा। इसी वजह से यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो यहीं पे मैं एक क्वेश्चन पूछ दूं आपसे, ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ दूं आपका, ये क्या यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये sp3 है, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, और यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन बन नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बना के दिखा था फ्री रेडिकल का, जब आप फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये तो ब्रेट्स रूल को वायलेट कर देगा। इस वजह से इस पर्टिकुलर पोजीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन आपका पॉसिबल नहीं है। तो आप देख लो बड़ी आसान क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब आइए हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, स्टेबिलिटी इन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्या है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, स्टेबिलिटी इन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए मैंने आपको एक स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट बता दिया। क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, हमने स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट देख लिया कि जितना ज्यादा आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा मॉलिक्यूल में, उतना ज्यादा उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसी पे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और हम देखते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं, सभी लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे पॉज करके पहले, ठीक है। ये स्ट्रक्चर और लास्ट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे देते, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आपको, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपके पास थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, एक बार आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप एक बार वीडियो को पॉज करके पहले थिंक अप कर लीजिए, फिर हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दूंगा। अभी हम किसके अंदर स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं, हम स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं आपका कार्बोकैटायन केस में, ठीक है। अगर आप नोट्स अच्छे से बना लो तो आप लिख लो स्टेबिलिटी इन कार्बोकैटायन। हम पहले कार्बोकैटायन वाले कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और आराम से पढ़ना टॉपिक, कोई भी जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे,
ठीक है। चलिए ये चार क्वेश्चन है आपके सामने। पहले आप ये है आपका केवल ये फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना, ये थर्ड क्वेश्चन। तो एक बार आप क्या करिए, पहले पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर इसको हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। पॉज करके एक बार आप ट्राई करिए। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे है जीरो, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है थ्री, यहाँ पे कितने हैं सिक्स, यहाँ पे कितने हैं नाइन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे आपका स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, खासकर सेकंड तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो थर्ड वाला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये देखे जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, पहला क्वेश्चन। नहीं, यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं हो सकता। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो क्या काम करेगा यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। अब आप बताइए इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्डर क्या होता है, डी का इंडक्टिव इफेक्ट एच से ज्यादा होता है। आइसोटोप के केस में कैसे इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे डी का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है एच से, तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा, यानी ये सब क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में इस वाले कंपाउंड का इंडक्टिव इफेक्ट इससे ज्यादा है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब आइए हम समझते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या ऑर्डर होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में कुछ ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा कैसे हो गया सर, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब एक कार्बन था, एक कार्बन जब प्रेजेंट था, ओनली सिंगल कार्बन था, तो CD3+ की स्टेबिलिटी ज्यादा थी CH3+ से। लेकिन जैसे ही आपने कार्बन का नंबर एक बढ़ा दिया तो देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुरंत ही उल्टा हो गया। यहां से देखिए तुरंत ही इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करिए कि ऐसा कैसे हो गया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बॉन्ड एनर्जी का अगर आप डेटा देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CD बॉन्ड इज ग्रेटर देन CH बॉन्ड, ये आप ध्यान से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। CD बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू किसके, CH बॉन्ड के, ठीक है। अगर आपने ये बात पहले, आप इस चीज को नोट कर लो, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन पहले हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन आप हटा देते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। हमने क्या एक डेटा लिखा आपके सामने कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CD बॉन्ड इज ग्रेटर देन CH बॉन्ड। तो अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिए, जैसे अगर आप इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बनाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, इसका अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन बनाना चाहते हैं तो, ठीक है, और एक बार आप CD3 वाले का हाइपर कॉन्जुगेशन बनाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बात है ये आपकी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन बनाने के लिए आपको ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा, तब तो होगा। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना होगा। आपको क्या पता है यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है, CD की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू CH बॉन्ड। CD की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू CH बॉन्ड। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा आपका, इजीली ब्रेक कर जाएगा, जबकि ये वाला ब्रेक करने में डिफिकल्टी होगी। तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऑब्वियस बात है ये पहला वाला स्ट्रक्चर ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आपके सामने एक कंसेप्ट बना कि जब सिंगल कार्बन था तो CD3+ ज्यादा स्टेबल था CD3+ ज्यादा स्टेबल था CH3+ से। लेकिन जैसे ही आपने एक कार्बन बढ़ा दिया, एक कार्बन बढ़ाते ही यहाँ पे हो जाएगी हाइपर कॉन्जुगेशन करने में दिक्कत, लेकिन यहाँ पे तुरंत से हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। और सबसे अच्छा इफेक्ट किसका होता है, सबसे पहले एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, तब इंडक्टिव। ऑल्दो इंडक्टिव तो ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी इंडक्टिव से ज्यादा होती है, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इन कंपेयर टू दिस कंपाउंड, ठीक है। मेरे को लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आपकी फोर्थ क्वेश्चन के तरफ, हम मूव करते हैं, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। अब जरा सा आप एक बार थिंक करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्या ऑर्डर होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन कभी इस कार्बन से हो ही नहीं पाएगा। ध्यान से देखिए, जो आप सोच रहे थे कि इधर से कम हाइपर कॉन्जुगेशन, इस तरह से नहीं, यहाँ पे देखिए ये वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो वहां पे होगा ही। हाइपर कॉन्जुगेशन केवल इन दो पोजीशन से होगा, और ये दो पोजीशन आप देखिए हर क्वेश्चन में कॉमन ही है। ध्यान से देखिए, केवल इन्हीं दो पोजीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, और वो तो हर क्वेश्चन में कॉमन ही है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर हो गया तो किससे आंसर करेंगे, इंडक्टिव से आंसर करेंगे। सबसे ज्यादा इंडक्टिव कहाँ होगा, सबसे ज्यादा ड्यूटेरियम प्रेजेंट हो
सॉरी ये ऑर्डर मैंने उल्टा लिख दिया, जहां पे सबसे ज्यादा ड्यूटेरियम प्रेजेंट होगा वहां पे सबसे ज्यादा इंडक्टिव होगा, तो ऑर्डर आपका कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन है सब में सेम, जब है हाइपर कॉन्जुगेशन सेम सब में, क्योंकि यही से हो सकता है, इस कार्बन पास तो हाइड्रोजन है, कहां से करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आप देखेंगे आंसर इंडक्टिव से, आपको पता है डी का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है एच से, तो इसमें ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन आपका किसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे आपका अल्कीन के ऊपर, ठीक है, अल्कीन की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अल्कीन की स्टेबिलिटी के ऊपर, यहाँ पे पहले एक दो आसान क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। एक पहले इजी सा क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाए हमारा, फिर हम इसको मान लेते हैं स्ट्रक्चर वन, इसको मान लेते हैं स्ट्रक्चर टू, इसको मान लेते हैं थ्री, इसको मान लेते हैं फोर, और इसको मान लेते हैं फाइव। आपको क्या कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। कैसे करेंगे इसमें क्वेश्चन, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी। अब बताइए यहाँ पे ये जो अल्कीन है इसके पास, इसको आपने ब्रैकेट में लिखा, अगल बगल में जितने कार्बन सबके सब क्या हो जाएंगे, अल्फा कार्बन हो जाएंगे। अगर सबके सब अल्फा कार्बन है तो उनके पास जो हाइड्रोजन है वो आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल आपके पास कितने जा रहे हैं 12, यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये क्या हो जाएगा आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, अब आइए हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से इसको, ठीक है, नोट कर लिया, ओके। चलो अब एक अच्छे क्वेश्चन को हम करते हैं, ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, फिर इसका आंसर आप देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए आइए ट्राई करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। आपके पास एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, ये है फर्स्ट कंपाउंड और ये है सेकेंड कंपाउंड। अब आपको बताना है कि किस कंपाउंड में सबसे ज्यादा, मतलब कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर मैं बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करिए तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है 6। यहाँ पे भी काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे 6। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जस्ट अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते थे, जिसमें ज्यादा ज्यादा तो बोल देते थे। अब पहली बार हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आया कि जिसमें ये तो फेल कर गया, तो इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ याद नहीं करना चाहिए हमें, बेसिक कंसेप्ट के थ्रू चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका याद करने वाला मेथड फेल हो जाए लेकिन कभी बेसिक कंसेप्ट आपका कभी भी फेल नहीं हो सकता। अब जरा से देखने की कोशिश करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से करते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा आपके पास। CH2 यहाँ पे CH, ये भी है CH, यहाँ पे CH3। हाइपर कॉन्जुगेशन एक बार बनाओ इसका, कैसे बनाओगे, इस सिग्मा बॉन्ड को इसके साथ कॉन्जुगेशन में ला दोगे। चलो एक बार अगर बनाएंगे क्या बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लिखोगे CH-, यहाँ पे क्या कर दोगे CH3। ये बनेगा पहले वाले का हाइपर कॉन्जुगेशन। जरा सा इसका एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, CH2H है, ये कार्बन डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है CH3, इस तरह से प्रेजेंट है आपका। चलो इस बॉन्ड को इधर ब्रेक किया और इसको इस तरह से शिफ्ट किया, बताइए क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2-, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। अब देखो इन दोनों के हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन चुके हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो जरा सा, यहाँ पे कैसा कार्बन आयन बना है आपका, ये है आपका 2° कार्बन आयन, 2° कार्बन आयन। यहाँ पे कैसा कार्बन आयन बना है आपका, ये बना है 1° कार्बन आयन, ठीक है। ये कैसा कार्बन आयन है 2°, ये कैसा है 1°। और हमको पता है कार्बन आयन में स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है आपकी, 2° वाला कम स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू 1°, यानी इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, नीचे वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऊपर वाला कम। चलो अगर आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी नहीं भी आती तो भी देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज,
यहाँ पे देखो इसके जस्ट बगल में है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी है नेगेटिव चार्ज, इसके जस्ट बगल में है डबल बॉन्ड, ये आपको समझ में आ रहा है पहले। अब देखो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर ही एक प्लस आई ग्रुप आके बैठ चुका है, ध्यान से देखो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर ही एक प्लस आई ग्रुप आके बैठ चुका है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है इसके ऊपर और नेगेटिव चार्ज कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर नहीं बैठा है, ये थोड़ा सा दूर पे बैठा हुआ है, यहाँ से इससे थोड़ा सा दूर बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज की ग्रोथ होगी वो थोड़ी सी कम होगी। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो कहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इस पर्टिकुलर सेकंड वाले केस में नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इस वाले केस में नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो कहीं पे ज्यादा है तो वहाँ की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यानी सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का अगर क्वेश्चन हो तो वहां पे कोई काम नहीं करेगी कोई भी ट्रिक आपकी कि आप याद कर लो और कर दो, ड्रॉ ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेसिक आपको पहले बताया गया, ड्रॉ करेंगे फिर आंसर देंगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब एक इसी के रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट और है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ कंबशन का क्वेश्चन आता है, उसको हम कर लेते हैं। और इसी सेम कॉन्सेप्ट पे हमारे पास इस बार जेईई मेन 2020 में भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है, तो उसको एक बार हम देखेंगे। पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे किसका, आपका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का, या ये कंसेप्ट लीजिए या ये कंसेप्ट लीजिए कंबशन का। हम इसकी पूरी प्रॉपर रिएक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमको अगर कंपेयर करने को आ गया तो कैसे कंपेयर करेंगे, इस चीज को जस्ट हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब आप एक बात बताइए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ कंबशन, इसका मतलब क्या होता है, कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए कोई अल्कीन है उसके ऊपर अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो कितनी हीट यहाँ सिस्टम से क्या होगी, रिलीज होगी। क्वेश्चन ये कहता है हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है, कि कोई मान लीजिए अल्कीन है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो कितनी हीट वहां से रिलीज होगी, इसको क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। अब इसके क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास कंपेयर करने के लिए आ जाता है। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई कंपाउंड है अनस्टेबल, अनस्टेबल कब होगा, जब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो किसी अनस्टेबल कंपाउंड को आप बर्न करोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। वहीं पे दूसरी तरफ है आपके पास एक स्टेबल कंपाउंड जिसकी एनर्जी पहले से ही कम है, तो उसको बर्न करोगे तो क्या वहां से ज्यादा एनर्जी निकलेगी क्या, नहीं, ऑब्वियस बात है नहीं निकलेगी। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन हो या हीट ऑफ कंबशन का क्वेश्चन हो, कैसे किया जा सकता है उसको, कि जो कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल है उसको बर्न करने पे कम हीट निकलेगी, और जो कंपाउंड जितना ज्यादा अनस्टेबल है उसको बर्न करने पे उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। ध्यान समझो इस बात को, यानी क्या यहाँ से एक हम कंसेप्ट लिख ले ऐसा, कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा जाए या कंबशन पूछा जाए तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। और अभी थोड़ी देर पहले हम क्या पढ़ रहे थे, कि स्टेबिलिटी अल्किन केस में कैसे निकाल रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन के। तो क्या ऐसा लिख दें कि ये चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी हाइपर कॉन्जुगेशन के। तो ये आपके सामने कंसेप्ट निकल के आता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या कंबशन पूछा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के, और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइपर कॉन्जुगेशन के, ठीक है। नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट कर लो, इस पे भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम करवाते हैं। फिर इस बार जो जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी हम एक बार देख लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। चलो देखते हैं, चलो जैसे मान लो पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो छोटे में ही बात समझ में आ जाएगी हमको। जैसे मान लो ये तीन कंपाउंड आपको दे रखे हैं, ये तीन कंपाउंड क्या कर रखे हैं, आपको दे रखे हैं, आपसे क्या पूछता है कि कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या पूछा है क्वेश्चन, कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको निकालना चाहिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें है 3, इसमें है 0, तो स्टेबिलिटी इसका नाम भी देते हैं ए बी और सी, तो स्टेबिलिटी हो जाएगी सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। अब पूछा जाए हीट ऑफ कंबस्टन का, मान लीजिए ऑर्डर, तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी की क्या होती है, हीट ऑफ कंबस्टन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो कंबस्टन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई अलग से तो मेहनत करनी नहीं है इसके लिए,
जस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा है, खट से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। चल, जो अभी आपने ये सब क्वेश्चन आपके 9th जनवरी वाले पेपर में था, अब मेरे को शिफ्ट तो याद नहीं है लेकिन ये 9th जनवरी वाले पेपर में शायद था। आपको बताना है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए, कंपेयर द हीट ऑफ कंबशन। क्वेश्चन मैं लिख ही दे रहा हूं यहाँ पे, कंपेयर द हीट ऑफ कंबशन। ये कब पूछा गया है आपका, JEE 2020 में भी पूछा गया है। ठीक है, पहला कंपाउंड उन्होंने कुछ ऐसा बनाया। ठीक है, दूसरा कंपाउंड उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया है और तीसरा कंपाउंड कुछ ऐसा है। ये है कंपाउंड ए, ये है कंपाउंड बी और ये है कंपाउंड सी। आपको क्या करना है, इसमें हीट ऑफ कंबस्टन को कंपेयर करना है। पॉज करके पहले खुद से वीडियो ट्राई कर लीजिए, एकदम नया क्वेश्चन है ये, अभी अभी मार्केट में आया, पहले एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए फिर इसको हम बताते हैं। ओके, ट्राई कर लिया, चलो देखते हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो सभी केसेस में सेम आएगा, 6 ही आएगा। तो कैसे किया जाए, क्वेश्चन क्या कहता है, हीट ऑफ कंबस्टन का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 upon stability के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखो यहाँ पे आपको पता है एक कंसेप्ट कि ट्रांस अल्कीन ज्यादा स्टेबल होते हैं सिस अल्कीन से। इन जनरल ट्रांस अल्कीन ज्यादा स्टेबल होते हैं सिस अल्कीन से, क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्शन कम होता है। यहाँ पे देखो ये जो डबल बॉन्ड है, एक ग्रुप इस तरफ है और एक ग्रुप इस तरफ है, ये ट्रांस फॉर्मेट में। यहाँ पे देखो एक ग्रुप इस तरफ है और एक ग्रुप इस तरफ है, ये क्या है, ट्रांस। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो बेटा, ये ग्रुप इसके एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ से, तो ये है ट्रांस। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के दोनों सेम तरफ है तो इसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, सिस ट्रांस बोलो या इजेड बोल दो, हमें तो अभी बस क्वेश्चन से आंसर लाने से मतलब है। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे देखो एक ग्रुप इस तरफ है एक ग्रुप इस तरफ है, ये है सिस। यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप सेम तरफ है डबल बॉन्ड के, तो ये बॉन्ड भी है सिस। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो अगर हीट ऑफ कंबस्टन का क्वेश्चन आ जाए, हीट ऑफ कंबस्टन का, तो जस्ट इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। बातें समझ में आ रही है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपका कंप्लीट डिस्कशन था जिसमें हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम एक दो प्रीवियस जेई एडवांस और जेई मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया इस क्वेश्चन को, चलो एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस उसको एक बार हम पहले नोट कर लेते हैं फिर इसको हम टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए आइए, एक दो क्वेश्चन हम लेके आए आपके लिए। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका IIT JEE 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। पहला क्या है आपके सामने, पहला आपके सामने कुछ इस तरीके से बना रखा है उन्होंने, दूसरा क्या बनाया है इसमें उन्होंने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तीसरा स्ट्रक्चर क्या है आपके सामने, तीसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से है, और फाइनली जो फोर्थ स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये है 1, ये है 2, ये स्ट्रक्चर है 3 और ये स्ट्रक्चर है 4। आपको क्या करना है, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है। एक बार पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने ट्राई किया होगा। अब जरा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर ये देखिए यहाँ पे है ऑक्सीजन जिसके पास क्या है लोन पेयर, तो देखो लोन पेयर सिंगल प्लस चार्ज, ये क्या होता है एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, तो यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल और केवल लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 और 2, यहाँ पे 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कितने बन जाएंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हो जाएंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी देखिए ये क्या है लोन पेयर सिंगल प्लस चार्ज, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा रेजोनेंस।
ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है रेजोनेंस। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे केवल दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टू हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। तो आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होता है, एरोमेटिक, फिर कौन स्टेबल आता है आपका, एरोमेटिक के बाद स्टेबल आता है रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, तब इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो जहां पे केवल और केवल हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है वो तो कम हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू रेजोनेंस होने वाली स्पीसीज से। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा फोर्थ, उससे ज्यादा किसका आएगा, स्ट्रक्चर नंबर टू का। अब बात आती है स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर थ्री में ज्यादा कौन स्टेबल है, तो रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके पास छह अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास बताइए इसके पास केवल तीन अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस दोनों में ही हो रहा है। अब जिसके पास ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा, तो किसका नंबर आ जाएगा, पहले वन का आ जाएगा फिर थ्री का आ जाएगा, तो क्या ऑर्डर आ जाएगा, वन थ्री टू और फोर। ठीक है, आया था क्वेश्चन, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं फिर इसको हम खत्म करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आपने, चलो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया हुआ है क्वेश्चन IIT JEE 2011 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन, यही कहता है आप इसको ओरली कर जाओगे, इतना पढ़ने के बाद तो आपको ये क्वेश्चन ओरली कर देना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, बस लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिख दिया इन्होंने, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटायन, फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटायन एस, कार्बोकेटायन इन्होंने क्या बनाया है, एक बार हम आपके सामने ड्रॉ कर देते हैं, ये हो जाएगा प्लस चार्ज, ये कुछ इस तरीके से चार ऑप्शन दे रखे हैं, 6, 4, 3 और 2। चलो ओरली कर दो इसको, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको ओरली कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ट्राई कर लिया, 1, 2, 3। चलो अब बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए, देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो इतने जगह से हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो 3, 2, 5, 1, 6, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी आपको पेन चलाने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा एक वीडियो जिसमें हमने कंप्लीटली डिस्कस किया किसको, हाइपर कॉन्जुगेशन को। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम किसको कवर करेंगे, आपके एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और उससे रिलेटेड जितने भी अब तक जेईई और नीट में सवाल आए सबके साथ हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।